三つ男の時代がやってきた。ミッキー、ハイレッピカルティジャーレイヘブカルカミネイホラー。おう、ये क्या? अचानक ही पायान, बूबी और पाको तीनों बीमार पड़ गए हैं। देखता हूँ परमैन का क्या हाल है। थक गया। ओ बेचारा मित्सुओ, हालत तो उसकी भी खराब है, पर वो फिर भी काम कर रहा है। अभी उसे ठीक करता हूँ मैं। सबका काम कर करके पूरी तरह थक गया हूँ। लगता है पर मैंने इतनी सारी ड्यूटीज करके अपनी पावर कम कर चुका है, थक गया है। बेचारे को दिन रात काम करना पड़ रहा है। इसकी तो मदद करनी ही चाहिए। अभी इसे एनर्जी देता हूँ। शायद मुझ पर लाइटनिंग हुई थी। हा? अरे ये क्या, अचानक मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई भला? कहीं गलती से कुछ ज्यादा पावर्स तो नहीं देती मैंने? तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? परमैन ने एक ही दिन में 3 एक्सीडेंट्स अकेले हैंडल किए, कमाल है ना? मुझे तो पता था कि वो बहुत स्ट्रांग है। मित्सुओ, क्या बात है, परमैन के कारनामों से तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुश तो बहुत हूँ मैं, बस मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो बहुत थक गया होगा, 3 दिन से तो बेचारा अपने घर पर भी नहीं आया है। देखता हूँ अगली इमरजेंसी कहाँ पर है। अरे तुम तीनों ठीक हो गए? माफ करना परमैन, हमारे बिना तुमने सारी ड्यूटीज अकेले ही हैंडल की, क्योंकि हम बीमार थे। हाँ, वो तो मुझे करनी ही थी, पर सच बताओ ना तो मैं कभी थका ही नहीं। हम तो तुम्हें कहने आए थे कि अब तुम एक दिन का रेस्ट ले ही लो। मेरे ख्याल से तुम्हें एक दिन तो आराम कर ही लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? सचमुच पाको, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वाकई नहीं थका, यकीन मानो। अगर तुम्हें जरा भी थकान नहीं हुई है तो इसका मतलब तुम हमारे बिना भी सारी ड्यूटीज आराम से कर सकते हो, क्यों, है ना? सही कहा ना? देखो, ड्यूटी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मित्सुओ, उठ जाओ, स्कूल जाना है। अगर एक दिन का रेस्ट मिल भी जाए तो सुबह उठकर स्कूल तो जाना ही पड़ता है, क्या करूं? पर ये क्या, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, भाग कर जाना पड़ेगा। चलो भागता हूँ। अरे वाह, मैं तो बहुत तेजी से भाग सकता हूँ। कबाब, आज सुबह तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, बोलो जल्दी। मैंने थोड़ा सा टोफू और ब्रेड टोस्ट खाया था। काबू, देखो तुमने, मित्सुओ कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहा था। हाँ, मैंने भी देखा, जरूर उसने काफी सारा खाना खाया होगा। ओह नो, हम लेट हैं। अरे अरे, आज तो स्कूल में डांट जरूर पड़ेगी। तुम्हें पता था ना आज सुबह टेस्ट होने वाला है, मैंने जल्दी आने को कहा था, फिर भी तुम लेट आए। सॉरी सर। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी, जाओ जाकर टॉयलेट साफ करो। पर सर। देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और काम पर लग जाओ। जी सर। हाय दोस्तों। अरे मित्सुओ, हम लेट हो गए, पर तुम कैसे जल्दी पहुँचे? ये कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा ही बताओ। मैं कुछ समझा नहीं, सच में। खुद को कंट्रोल करो, रॉकेट की तरह तेज भाग रहे थे। ए मित्सुओ, तुम हमेशा अपने दोस्तों को धोखा देते रहते हो। कबाओ, तुम ठीक तो हो ना? कबाओ कबाओ, बोलो कुछ। तुमने तो कमाल कर दिया। ये मैंने कैसे कर दिया? लगता है परमैन पावर अब तक मेरे पास है। एक बार फिर से देखता हूँ। तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे वाह, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा था, परमैन पावर्स अब तक मेरे पास बची हुई है। आज तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा।
मेरी टाइमिंग क्या थी? सिर्फ 9 सेकंड, अब तक का सबसे कम समय। ये तो अजीब बात है। मुझे लगता है सर, जरूर परमैन ने इसे स्पेशल कपड़े दिए हैं। स्पेशल कपड़े? तो फिर वो हम लेंगे। चलो। अरे ये तुमने क्या कर दिया? बाबू कुछ स्पेशल मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो अब मित्सु आएगा लॉन्ग जंप करने। मैं तैयार हूँ। वाह, इसने तो 8 मीटर लंबी छलांग लगाई। मुझे हमेशा लगता था कि सबसे ज्यादा पावर तो परमैन के पास है, पर अब वक्त बदल गया है। ये वक्त परमैन का नहीं बल्कि ये वक्त मित्सुओ का है। तुमने तो रेस और लॉन्ग जंप दोनों में कमाल कर दिया। हम सब तो हैरान रह गए, तुम तो हमारे हीरो हो। क्या कहा तुमने, मैं और हीरो? हाँ, और तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि कल से मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हूँ। अरे वाह, मिचिको को मैं अच्छा लगा। अब तो और भी इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा। आखिर मिचिको से खास दोस्ती जो करनी है वो परमैन को नहीं मित्सुओ को पसंद करती है। अच्छा मिस मिचिको, मित्सुओ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप क्यों हो गए? अरे ट्रैक पर तो ट्रक फंस गया है। अब क्या होगा? क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे हाँ, मेरे पास तो पावर है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिचिको, मेरा बैग पकड़ो। मिचिको रुको, तुम परमान नहीं हो, मत जाओ। देखो परमान का वक्त अब खत्म हो गया है, समझी? हटो सामने से, हट जाओ। रुको। क्या हुआ मिचिको, बताओ ना क्या हुआ? देखो स्पीड कम हो रही है। शुक्र है स्पीड कम हुई। अरे ये क्या, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मित्सु, मैंने इन्हें बचा लिया, मैंने वाकई इन्हें बचा लिया। अरे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? आपने परमैन को एक्स्ट्रा पावर्स का इंजेक्शन लगा दिया और किसी को भी ये बात बताई भी नहीं। मुझ पर नाराज मत हो ना, मुझे क्या पता था कि एक्स्ट्रा पावर का असर इसके शरीर में रह जाएगा और मित्सुओ भी खुद को परमैन जैसे ही समझेगा। आपको तो बड़ी हंसी आ रही है, वहाँ मैं आपकी वजह से मरते मरते बचाऊं? मुझे तो सच में लगने लगा था कि अब मुझे परमैन बनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा परमैन, जरा एक बार फिर से वो इंजेक्शन तो लगा दीजिए, मजा आ जाएगा क्यों?